हेलो, वेरी गुड। क्लास सिक्स, ओके तो हमारा सेकंड चैप्टर स्पीच और सेंटेंस। सेंटेंस अलग अलग तरीके से होते हैं, स्पीच अलग अलग तरीके से होते हैं। सब कुछ आपको पता है। लास्ट क्लास, लास्ट ईयर में आप लोग जो थे इसके बारे में पढ़ा हुआ था। वर्ड मेक और स्पीच और सेंटेंस, मैंने स्पीक और राइट यूजिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमैटिक वर्ड एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस, देन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, मतलब क्या होते हैं सेंटेंस, क्या है? ठीक है, व्हेन वी स्पीक और राइट यूजिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर, क्या करना है? आपको कुछ बोलना है और आपको कुछ लिखना है। तो आप क्या यूज करते हैं? वर्ड को यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, यह है कि आपको इस पे सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। और इसमें कुछ सेंस, मीनिंग, पूरा मीनिंग बताना चाहिए। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। ये क्या होता है? ये ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और आगे एंड वॉल टोट इज कॉल्ड आवर स्पीच। मतलब क्या होता है? पूरा तोड़ के, पूरा आइडिया को आप बताते हैं, क्या है? स्पीच। ओके, सो पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में देखते हैं। असरेटिव सेंटेंस, और असरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और डिक्लरेटिव सेंटेंस। अब ये क्या करते हैं? सिंपली स्टेटमेंट क्या है? सिंपली क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, और ये देखो एग्जाम्पल। ठीक है, रोहित इज ए स्टूडेंट। रोहित के बारे में बताते हैं, किसी के और के बारे में स्टेटमेंट करते हैं कि इसे स्टूडेंट रोहित। ठीक है, और निशा डिड नॉट गो टू स्कूल, और नेगेटिव वे में बताते हैं, निशा के बारे में स्टेटमेंट है, निशा क्या कहने करते हैं? विद्यालय में नहीं जाते हैं। और डू यू कम हियर, एक ही गए होते हैं। एम्फाटिक, एम्फाटिक मतलब क्या होते हैं? इसी तरह सवाल, सवाल जैसे पूछे, आप इधर आ सकते हैं क्या? ठीक है, सो दूसरा है कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे है कि आपको क्या करना है? सवाल पूछना है, डायरेक्ट सवाल। ठीक है, द सेंटेंस आर आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ये क्या है कि ये देखो एग्जाम्पल दिया, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप इधर क्या कर रहे हो? और आर यू गोइंग टू प्ले, आप खेलने जा रहे हो? डू यू बीट हिम, आपने उनको मारा है क्या? उनको मारा है क्या? डी बी टी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? ठीक है, ये सब कुछ कहां से आते हैं? कहां आते हैं? इंट्रोगेटिव और इंपारेटिव। द सेंटेंस एक्सप्रेस ए कमांड और रिक्वेस्ट और आदेश। इंपारेटिव क्या होता है? अब किसी को कमांड, यू शुड डू और विल यू प्लीज, हम लोग रिक्वेस्ट देते हैं और एडवाइस देते हैं। ओके, और कॉलिंग फॉर मीटिंग, ओपन द विंडो, डोंट गो देयर, क्या होता है? कमांड। ओपन द विंडो है एडवाइस। कॉल हिम और मीटिंग, आपको एडवाइस देते हैं, तुम बुला सकते हो, बुलाओ। प्लीज गिव मी अ पेन, रिक्वेस्ट। एक्सक्लेमेटरी, जिसे आपको सडन एक्शन आपको बताना है, सडन एक्शन बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, समझ में आगे? ठीक है, अब देखो इसके थोड़ा वर्क के प्रैक्टिस करना है।
एक कौन सा तरीका से, आप एक बार ट्राई कर लेना आज, इसके बाद मैं आपको वही PDF करके सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्या है। और पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच है 8 तरीकों से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेंशन, ठीक है, ये है पार्ट ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ आवर थॉट्स, वर्ड और ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 8 काइंड्स। हमारा वर्ड, हमारा स्पीच कितना तरीके से किया हुआ है, 8 तरीके से। नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ये बता दिया था पहले, लास्ट ईयर में भी बहुत बार बता दिया मैं आपको, नाउन क्या होते हैं, नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल, ठीक है, सिंबल है, बुक, मुंबई, चेयर, आइडिया, स्काई, हाउस, ट्री, सन, ये सब कुछ क्या होते हैं, नाउन के अंदर आते हैं। ए थिंग इट्सेल्फ इज नॉट ए नाउन बट इज नेम इज ए नाउन, मतलब क्या होता है, चीज होते हैं, ठीक है, ये नाउन नहीं होता, फिर उसका नाम क्या होते हैं, नाउन में आएंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको पता है कि जो नाउन के जगह पे हम लोग नाउन बार बार यूज, सेंटेंस के अंदर और स्पीच के अंदर नाउन और नाम और नेम हम लोग बार बार यूज करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके अलावा हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, मतलब एक गर्ल के बारे में आपको बताते हैं शी, हेयर, हेयर सेल्फ, है ना, बॉय के बारे में क्या होता है, ही, हिम, हिमसेल्फ, हम लोग अलग अलग प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, मतलब क्या होता है, हमारे हमारे भाषा में कैसे करते, कैसे बोलते हैं, नाउन के थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, नाउन के बारे में थोड़ा तारीफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ये नाउन यूज करते हैं और प्रोनाउन और एडजेक्टिव यूज करते हैं। द हॉनेस्ट मैन, प्योर वाटर, 20 मैन, ब्रेव, ठीक है, अलग अलग अब्रेविएशन, अलग अलग एडजेक्टिव्स हम लोग यूज करते हैं सॉरी। और एडवर्ब, वर्ब इज अ वर्ड और से समथिंग, ठीक है, मतलब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, क्रिया, आपको पता है जो एक्शन वर्ड होते हैं, प्लेइंग, वी प्ले हॉकी, वी आर स्विमिंग, ही इज ए डॉक्टर, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वर्ब होते हैं, इज, आम, आर, वास, वे, सब कुछ क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, समझ में आगे, ठीक है। और नेक्स्ट है एडवर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं, ये वर्ब को थोड़ा तारीफ देते हैं और मॉडिफाइज द वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, माय मदर इज वेरी काइंड, काइंड क्या होता है, वर्ब होते हैं, मदर क्या होता है, नाउन, और काइंड होते हैं वर्ब, और काइंड को क्या बोलते हैं, वेरी काइंड, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है प्री पोजिशन, क्या होते हैं, प्री पोजिशन, इट्स अ वर्ड विच यूज बिफोर द नाउन, मतलब क्या, प्री, जो नाउन का पोजिशन है इसके पहले यूज करने का जो वर्ड होते हैं वो वर्ड को क्या कहते हैं, प्री पोजिशन कहते हैं, ठीक है। और कंजंक्शन, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेज क्लोज, मतलब क्या होता है, टू वर्ड्स को, सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, एंड, बिकॉज, सो, बट, ठीक है, ये सब कुछ ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, इन कंजंक्शन बनते हैं। इंटरजेंक्शन क्या होते हैं, इंटरजेंक्शन, इंटरजेंक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और जॉय सोरो, इंटरजेंक्शन क्या होते हैं, थोड़ा सडन फीलिंग, जैसे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे सडन फीलिंग के अंदर आपको कुरे, हा, अलास, ब्रावो, खोई, आप लोग जैसे वाव, बहुत आपको अप्रोबेशन देते हैं, ये आपको होमवर्क के बारे में आपको करके PDF। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।